नमस्कार, फोरसाइट्स टीवी में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को अपने लोकसभा क्षेत्र रायबरेली का दौरा किया। विपक्ष का नेता बनने के बाद कांग्रेस नेता का ये पहला संसदीय क्षेत्र का दौरा है। इस दौरान उन्होंने शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के पिता रवि प्रताप सिंह और उनकी माँ मंजू सिंह से मुलाकात की है। शहीद अंशुमान का ये परिवार यूपी के देवरिया का रहने वाला है। शहीद अंशुमान को बीते दिनों राष्ट्रपति से कीर्ति चक्र मिल चुका है। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद बाहर निकली शहीद कैप्टन अंशुमान की मां मंजू ने कहा कि अग्निवीर योजना बंद हो जानी चाहिए। इस पर राहुल ने उन्हें कहा कि वो इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ते रहेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद अंशुमान सिंह की मां से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अग्निवीर योजना और जवानों को मिलने वाली योजनाओं को लेकर बात की। शहीद की मां ने कहा कि वो राहुल गांधी की स्पीच से बहुत प्रभावित हैं और उनसे मिलना चाहती थी। उन्होंने कहा कि राहुल ने जो सम्मान दिया वो सिर आँखों पर है। शहीद अंशुमान सिंह की मां ने कहा कि जो फौज में रूल है वही हो रहा है, कोई अलग नहीं है। वहीं अग्निवीर योजना के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैंने इस बारे में भी राहुल गांधी से बात की है। मेरे पति फौज से ही रिटायर हुए हैं, बेटा भी फौज में गया था, तो मैंने इस बारे में भी बात की। तो मैंने कहा कि ऐसा फौज में ना हो कि 4 साल की नौकरी हो, जो भी सुविधा हो सबको बराबर होनी चाहिए। मैं सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी कि अग्निवीर योजना बंद हो, उन्हें भी फौजियों को पेंशन, कैंटीन और बाकी सुविधाएं मिलनी चाहिए। बता दें कि कैप्टन अंशुमान सिंह उत्तर प्रदेश के देवरिया के लार थाना इलाके के बरडीहा दलपत के रहने वाले थे। वो पिछले साल सियाचिन ग्लेशियर में शहीद हो गए। दरअसल 19 जुलाई 2023 को सियाचिन ग्लेशियर में सेना के बंकरों में अचानक आग लग गई थी। कैप्टन अंशुमान ने जैसे ही अपने जवानों को आग के बीच फंसा हुआ देखा, वो तुरंत बंकर में घुस गए। इस दौरान उन्होंने सेना के 4 जवानों को सुरक्षित बाहर निकाला था, लेकिन आग से पूरी तरह से झुलसने के चलते इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पंजाब रेजिमेंट की 26वीं बटालियन के आर्मी मेडिकल कोर के कैप्टन अंशुमान सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया था। अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने एक बड़ी आग की घटना में कई लोगों को बचाने के लिए असाधारण बहादुरी और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया था। दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार दिए जाने के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कैप्टन सिंह की पत्नी भावुक होकर अपने रिश्तों के बारे में बता रही थी। उन्होंने शहीद कैप्टन के शब्दों को याद करते हुए कहा था कि उनके पति का कहना था कि वो अपनी छाती पर गोली खाकर मरना पसंद करेंगे, लेकिन एक साधारण मौत नहीं मरेंगे। इधर राहुल गांधी ने रायबरेली पहुंचने पर बछरावा के चुरवा हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं राहुल से मिलने के बाद शहीद के माता पिता काफी संतुष्ट दिखे और उनकी तारीफ। खबरों में रहना है अपडेट, तो देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी।